व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में क्या बदलाव हो रहा है और क्या नहीं। व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग में कहा है कि हम अपनी सेवा की शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव बिजनेस और उनके कस्टमर्स के बीच व्हाट्सएप पर होने वाली मैसेजिंग से संबंधित है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होने वाली थी, लेकिन विवाद के बाद कंपनी ने प्राइवेसी को मई तक टाल दिया है। अब से प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन दे रहा है, यानी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को आपको 15 मई 2021 तक स्वीकार करना होगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार और अस्वीकार करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नई पॉलिसी में क्या बदलाव है, नई पॉलिसी से क्या बदलाव होगा और क्या बदलाव नहीं होगा। आइए इसे कंपनी के आधिकारिक ब्लॉग के जरिए समझते हैं। निजी मैसेज कॉल पर नज़र नहीं रखते, फेसबुक के साथ शेयर नहीं करते, मतलब जो आपसे किसी से मैसेज वगैरह करते हैं उस पर व्हाट्सएप वाले नज़र नहीं रखते हैं और उसे फेसबुक के साथ शेयर नहीं करते हैं। मैसेज और कॉल हिस्ट्री स्टोर नहीं होती। जो आपके व्हाट्सएप में मैसेज और कॉल हिस्ट्री होती है उसको व्हाट्सएप वाले स्टोर नहीं करते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप यूजर्स की लोकेशन नहीं देखते। जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और उसे किस जगह से आप यूज कर रहे हैं उसके लोकेशन को व्हाट्सएप वाले नहीं देखते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट फेसबुक के साथ साझा नहीं करते। आपके व्हाट्सएप में जितने भी लोगों के नंबर्स होते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट होते हैं, उनको व्हाट्सएप वाले फेसबुक के साथ शेयर नहीं करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पूरी तरह से प्राइवेट है। जो व्हाट्सएप में ग्रुप्स होते हैं वो पूरे तरीके से प्राइवेट होता है। मैसेज के अपने आप डिलीट होने की सेटिंग कर सकते हैं। जो आप किसी को मैसेज करते हैं उसको सेटिंग से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब चाहे उसे तब डिलीट कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं।